क्या स्टेटस है इनका? खत्म ना तो भाई, ये है नई क्लच प्लेट। ये पंप जो है ना, ये बढ़िया है यार, NS 400 बजाज की। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं हूं अमरदीन नोडन राइडर, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। जब से सर्विस करवाई है ना और चेंज करवाई है, तो ऐसा लग रहा है पावर है ही नहीं बाइक में। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सर्विस सेंटर एक बार दिखा लूं, तो उसी के लिए मैं सर्विस सेंटर जाने वाला हूं। इस टाइम जो मैं लेट कर पा रहा हूं कि कहीं इसकी क्लच प्लेट जो है ना, वो बदलने का टाइम तो नहीं आ गया अभी तक। 15,000 किलोमीटर चली है, देखते हैं चल के क्या बोलते हैं वो। तो गाइज निकलते हैं, टाइम हो रखा है 8:53। यहां से मुझे 40 मिनट लगेंगे। और टायर की हवा चेक कर लेते हैं एक बार। ये पंप जो है ना, ये बढ़िया है यार, हैंडी है, और इससे मैंने कई बार यूज किया है, सही चल रहा है अभी तक तो। इवन इसमें स्पीति राइड में हमने कार के टायर में भी हवा भरी, इजीली भर गई। इसका चाहिए मुझे अगले वाले का 29, इसकी कम है, इसकी 23.5 जो कि 24 है, 29 होनी चाहिए। ये कहीं से पंचर तो नहीं है कहीं, ये देखेंगे, दिखाऊंगा मैं। गर्मी लगने लगी रुकते ही। चलो हवा हो गई भाई अपनी सेट। ये काम सबसे पहले करना चाहिए, राइड से निकलने से पहले जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मजा आएगा आज तो राइड करने के इस मौसम में। बरसात में पूरी हरियाली हरियाली हो रखी है, और ऊपर से बारिश, ठंडक का एहसास हो रहा है। चलो देखो भाई, अभी मैं चला रहा हूँ ना, वही लग रहा है लैक ऑफ पावर लग रहा है अभी तो। लगे कि आप थ्रोटल दे रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, किसकी वजह से ये नहीं पता। धीरे धीरे बारिश की बूंदें पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, भीगने से अच्छा है थोड़ा सा मिल जाए टाइम। भगवान दे दो टाइम, आपके हाथ में ही है देना। 2-3 मिनट लगने वाले हैं वहाँ तक, सर्विस सेंटर तक। ये है ठाकुर द्वारा, और यहीं पर है सर्विस सेंटर। पहुंच गए हम। हल्की हल्की बारिश की बूंदें अभी पड़ ही रही हैं, अभी तक ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है बारिश। सो भाई साहब, मैं हूँ सर्विस सेंटर में, और बाइक का जो है मैंने एंट्री करवा दिया है। क्या देखते हैं क्या बोलते हैं, इन्होंने एंट्री तो करी है, पर बता रहे हैं कि उनके पास काम ज़्यादा है आज। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जैसे बाइक अंदर लेके जाएंगे सर्विस बे पे तब मैं इसको कवर करूँगा अपने वीडियो में। तो ये है बजाज संगम का सर्विस सेंटर, मैं यहीं आता हूँ सर्विस करवाने के लिए, जब से विशाखापट्टनम से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। और ऊपर इनका शोरूम है, और नीचे है सर्विस सेंटर। फिर पूछते हैं चल के कि इनके पास में वो नहीं आई है ना NS 400, देखते हैं अवेलेबल कि नहीं है। सो भाई, मेरे से मैं बोल ही रहा था कि पूछूंगा इनसे जाके कि NS 400 आई है कि नहीं आई है, बट सामने खड़ी है भाई। ये है NS 400 बजाज की, ऐसी दिखती है कुछ। अगर बारिश नहीं होती तो मैं इसकी टेस्ट राइड लेके आता, बट बारिश है तो मन नहीं कर रहा जाने का आगे। ये देखो लुक, तो लुक वाइज तो अच्छी है, और इधर कंसोल इसका भी, मीटर कंसोल भी काफ़ी बड़ा दे रखा है, डिजिटल है पूरा। अभी भाई यहाँ पे ना टेस्ट राइड के लिए व्हीकल अवेलेबल नहीं है, ये जो गाड़ी खड़ी थी बुक थी। सो गाइस, फाइनली बाइक जा चुकी है सर्विस बे पे, और देख रहे हैं भाई खोल रहे हैं। पहले तो इंजन ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि क्लच प्लेट का इशू है या नहीं है। तो पहले तो क्रैश गार्ड निकालने वाले हैं, क्रैश गार्ड जैसे निकलेगा उसके बाद में ऑयल ड्रेन करेंगे ट्रे में, के बाद ही उस साइड का इंजन कवर खुलेगा। ये जो की जो चेन है ना, चेन मैंने चेंज करवाई है रिसेंटली, उसकी वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। चलो जी, कवर खुल चुका अपना, ओके। कुछ ऐसी दिखती है प्लेट्स है ना जी, पूरी ये पूरी हाउसिंग असेंबली है ना पूरी इसकी, ये उसके अंदर होंगी क्लच प्लेट्स है। प्रेशर प्लेट्स होती हैं, और कौन सी होती है, फ्रिक्शन प्लेट्स एंड प्रेशर प्लेट्स तो होती है ना भाई। ये है भाई प्लेट्स। अब भाई बताएंगे क्या स्टेटस है इनका? खत्म ना। तो भाई प्लेट्स हैं चेंज करने लायक, देखो हालत दिखा दूं मैं, पूरी जल चुकी है ना। ये देखो हालत,
ये जलना ये होता है ना, कैसे होता है ये देखो, ये बस काला ब्लैक वाला ना, हाँ जो ब्लैक ब्लैक हो रखी है पूरी, ये देखो ये गई है सारी प्लेट्स। अभी हम डालेंगे नहीं पूरी हाउसिंग प्लेट्स ही डालेंगे ओनली भाई, ओनली ना, ये इसकी तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती ना, देखो अभी भी गर्म है कितना है अभी तो। सो भाई जो मेरा अंदाजा था ना वो सही है कि क्लच प्लेट ही गई है। ऐसा दिखता है कुछ जो क्लच प्लेट वाला जो साइड है ना वो ऐसी दिखती है, यहाँ पे क्लच प्लेट जो फिक्स होती है, प्रेशर प्लेट्स हैं कुछ, फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है, प्रेशर और फ्रिक्शन प्लेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो भाई ये हैं नई क्लच प्लेट्स, हाँ ओनली जो चेंज कर रहे हैं क्लच प्लेट, उसकी जो पूरी फुल असेंबली है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। ये क्लच प्लेट में ये प्रेशर प्लेट्स एंड फ्रिक्शन प्लेट्स होंगी, कॉम्बिनेशन इसका ये चेंज कर देंगे भाई। देखो भाई अभी ये जो प्लेट्स हैं नए वाली, इनको करेंगे इंजन ऑयल में डी और उसके बाद फिक्स करेंगे। तो गाइस ये जो है ना इसमें ये स्टील की जो है ये है प्रेशर प्लेट्स, और जो मैंने पहले दिखाई थी वो थी फ्रिक्शन प्लेट्स, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिला के उसमें डालेंगे, एक फ्रिक्शन प्लेट होगी उसके बीच में एक प्रेशर प्लेट रहती है, तो वैसे करके डालते हैं। और पैकिंग है तो ये सारी चीज़ें डलती हैं, जब इंजन खोलते हैं तो हमें जो होती है उसकी सील जो होती है ना पैकिंग बोलते हैं उसको, उसको चेंज कर ही देना चाहिए, अगर चेंज नहीं करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि जो ओल्ड सील जो होती है जो हम पहले से होती है उसको अगर यूज़ करते हैं तो इंजन ऑयल लीक होने के फिर चांसेस बन जाते हैं ज़्यादा। तो गाइस अपनी क्लच प्लेट का काम हो चुका है, रिप्लेस हो गई, भाई ने लगा दिया इंजन कवर वगैरह सब, ऑयल भी डाल दिया ना भाई फिल्टर करके, देखो फिल्टर करके डाला है ऑयल वापस। सो अभी लेंगे इसके बाद भाई, अभी वॉश करवाएंगे या ट्रायल लेंगे? सो गाइस बाइक का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मैंने ट्रायल भी ले लिया, ठीक ही लगा मुझे, पावर सही लग रही है अभी, और बाकी ये देखो अभी बस जा रही है धुलने के लिए, धुलेगी उसके बाद मेरे मैकेनिक भाई हैं वो खुद राइड लेंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा भाई। ओवरऑल क्लच प्लेट चेंज हुआ है, जो काम हुआ है बता देता हूँ आपको, क्लच प्लेट चेंज की है हमने और राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो कोइल की साइड मैग्नेटिक कोइल की साइड में हमने चेंज की है ओनली सील उसकी, ये किया है, बाकी वो टैंक का जो ढक्कन है उसको खोल के इन्होंने वो किया है जिससे वो गैस रुक रही थी अंदर, और ड्रेन पाइप को ठीक किया है, वो बैंड उलझी हुई थी उसको ठीक किया तो वो काम किया अभी। तो गाइस हो गया अपना काम, बाइक का क्लच प्लेट कर दी चेंज, बाकी जितने भी इशू थे अभी जो है रिजोल्व हो गए, बट एक दो दिन में लगेगा पता कि ऑयल लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है, छोटा मोटा जो होता था एक दो दिन लगेंगे। और अभी सर्विस का कितना खर्चा आया वो मैं बता ही देता हूँ मोटा मोटा आपको, ये टोटल बना है 3,009 रुपये का बिल, उसमें जो क्लच प्लेट का जो बिल है वो मुझे क्लच प्लेट वगैरह रिप्लेस कराने का मुझे पड़ा है 2,600 रुपीज़ पड़ा है मुझे, तो बाकी जो इशू थे उनको रिजोल्व करके और लेबर चार्जेस लगा के मुझे पड़ गया है 3,009 रुपये टोटल। अभी पहले मुझे एक और जगह पर जाना है उसके बाद ही घर जाऊँगा मैं। मुझे पावर कम लग रही थी ना अभी क्लच प्लेट चेंज करने के बाद, मैं वैसा फील नहीं हो रहा अभी। चलो थोड़ा सा खाली रोड मिलता है तो टेस्ट करते हैं, दिखाता हूँ आपको। गियर शिफ्टिंग भी स्मूथ हो चुका है, पहले गियर फंस रहे थे काफ़ी ज़्यादा, इसको ओवरटेक करना ही पड़ेगा। आप देखो फोर्थ गियर पे ही 81 के आसपास जा रही है, मोड था अभी देखो, अभी दिखाते हैं, सीधा रोड नहीं है ना, फोर्थ गियर में पहले 50 तक पहुंचती थी और रोना शुरू कर देती थी बाइक, 50 तक 50 55 तक बड़ी मुश्किल से पहुंच रही थी फोर्थ गियर में, अभी देखो
लो जी पहुंच गया मैं अपने गांव में वापिस। आज का टूर था सर्विस सेंटर और वहां से गया मामा के घर, वहां से वापस घर भी पहुंच गया। अभी टाइम हो रखा है 5:28। तो इसी के साथ मैं गाइस इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए हैं। और मैं मिलूँगा आप सभी से एक और नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, राइड सेफ, स्टे सेफ।